चलिए हम लोग एंटी फ्यूल का प्रिंसिपल देख लिए थे 14 को, ठीक है। अब जो दूसरा टॉपिक है आपका वो है एफ डब्ल्यू टेलर का वैज्ञानिक सिद्धांत, ठीक है। शुरू करें हम लोग इसको क्या? हेलो वैज्ञानिक प्रबंध हम लोग वैज्ञानिक प्रबंध प्रारंभिक प्रबंध की विचारधारा की एक महत्वपूर्ण धारा जिसे क्लासिकल विचारधारा कहा जाता है। क्लासिकल विचारधारा की अन्य दो धाराएं फेयोल की प्रशासनिक ज्ञान और मैक्स वेबर्स की अफसरशाही, ये दोनों अलग अलग कॉन्सेप्ट। हम यहाँ अफसरशाही का वर्णन नहीं करेंगे, वैज्ञानिक प्रबंध के पश्चात फेयोल के सिद्धांत का वर्णन किया जाए, यानी हम लोग क्या अभी किसकी चर्चा करेंगे? वैज्ञानिक प्रबंध। तो वैज्ञानिक प्रबंध के जन्मदाता है फ्रेडरिक विंस्लो टेलर, जिसको शॉर्ट में कहा था एफ डब्ल्यू टेलर। जन्म हुआ था इनको इनका कब? 20 मार्च 1856 को, और मृत्यु कब हुई थी? 1915 में। कहाँ के निवासी थे? अमेरिका के, और क्या थे? एक मैकेनिकल इंजीनियर थे, क्लियर। 1874 में वो क्या किए थे? एक समझिए एक तरह से एक असिस्टेंट के तौर पर काम शुरू किए थे। किस लेवल से? लोअर लेवल से, यानी सबसे निचले स्तर से उन्होंने क्या किया था? काम ऑर्गेनाइजेशन में शुरू किया था, जहां उसने नीचे के स्तर की कारखाना परिस्थितियों के संबंध में क्या किया? ज्ञान प्राप्त किया। यानी वो कारखाना में सबसे नीचे स्तर पर कार्य करते थे, वहां जिस प्रकार की दिक्कतें थी उनके बारे में उन्होंने क्या किया? पता किया। और बाद में मैकेनिकल इंजीनियर की दक्षता प्राप्त की, और उसने उत्पादन की कारखाना प्रणाली के स्वरूप को क्या किया? प्रभावित किया। चल अब लोग सुन शुरू करते हैं। चलिए ज्यादा 1911 में एफ डब्ल्यू टेलर की किताब आई द प्रिंसिपल ऑफ साइंटिफिक मैनेजमेंट। कब आई थी? 1911 में उनकी किताब आई थी, जिस किताब का नाम था द प्रिंसिपल ऑफ साइंटिफिक मैनेजमेंट। आपको पूछेगा कि द साइंटिफिक ऑफ प्रिंसिपल मैनेजमेंट के राइटर कौन, या एफ डब्ल्यू टेलर के द्वारा लिखे गए किताब का क्या नाम था, तो उसको यहाँ क्या करना देना। और वहीं पर इस शब्द की रचना हुई क्या? साइंटिफिक मैनेजमेंट, यानी वैज्ञानिक प्रबंध। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में पूछेगा कि वैज्ञानिक प्रबंध के जन्मदाता कौन, क्लियर। सब उसके बारे में जानकारी है, ठीक है। डिटेल्स बनाते हैं वैज्ञानिक प्रबंध के सिद्धांत। एफ डब्ल्यू टेलर ने वैज्ञानिक प्रबंध के 6 सिद्धांत दिए, कितने सिद्धांत? और हेनरी फ्योल ने 14। कितने सिद्धांत दिए? 6 सिद्धांत दिए। पहला, विज्ञान पद्धति नौ की अंगूठा टेक। पहला एफ डब्ल्यू टेलर का सिद्धांत कहता है कि जब भी कारखाना में कोई काम करेंगे या किसी भी प्रकार का कोई कार्य करने जाएंगे तो परंपरागत जो पद्धति है उसके थ्रू नहीं करेंगे, बल्कि किस विधि के थ्रू करेंगे? वैज्ञानिक पद्धति के थ्रू। यानी उस कार्य को करने के बारे में पहले से क्या करेंगे? सोच विचार कर लेंगे, और उस कार्य को करने का बहुत सारा ऑप्शन क्या होगा? मिलेगा। उसमें जो सबसे बढ़िया ऑप्शन होगा उस ऑप्शन को क्या करेंगे? कार्य करने के लिए चुनेंगे। यही नियम कहता है विज्ञान पद्धति ना कि अंगूठा नियम। अंगूठा नियम का मतलब है कि ऐसा नियम जो पूर्व समय से क्या होता आ रहा, चलता आ रहा। अंगूठा नियम का मतलब क्या? जैसे होता आ रहा है वैसे ही होते देना। क्या? जैसे कि खेती का कार्य होता है, तो खेती का कार्य पहले होता था हल बैल से, अभी भी अगर हल बैल से करेंगे इसका क्या मतलब? अभी भी हल बैल से करेंगे इसका क्या मतलब है? हाँ, इसका मतलब है उसी पद्धति का यूज करें जो पद्धति पहले से क्या है, होते चला आ रहा है, यानी उसमें कुछ नयापन नहीं करेंगे। लेकिन जब हम ट्रैक्टर का यूज करेंगे खेती करने के लिए, इसका मतलब क्या है? वैज्ञानिक पद्धति का यूज करेंगे। क्या? जितने देर में हल बैल से जोतेंगे उसके आधे से आधे समय में भी ट्रैक्टर से खेत जोत सकते हैं। पहले के समय में सिंचाई के लिए पेट्रोल डीजल से जो चलता था मशीन उसका यूज करते थे, अभी सोलर सिस्टम आ गया, आप अपने खेत में सोलर सिस्टम वाला पाइप लगा ले और आराम से आपको जब मर्जी तब पानी की सुविधा मिलेगी। क्या? पहले हाइब्रिड फसल सब नहीं होता था, लोग सब उसी फसल में से कुछ बीज बचा के रखते थे और फिर उसी को क्या करते थे? उसी से उत्पादन करते थे, तो उत्पादन कम होता था। लेकिन अब क्या है? अब जब भी लोग खेती करते तो हाइब्रिड बीज का यूज करते हैं, तो उसी जमीन पर खेती क्या होती है? ज्यादा होती है। क्या? मान चलिए कोई आदमी पुराने बीज का प्रयोग कर रहा है तो उसकी खेती कितनी होगी? कम होगी। और कोई आदमी नए हाइब्रिड बीज का प्रयोग कर रहा है और जमीन उतनी है, तो उत्पादन क्या हो? ज्यादा होगा। तो हेनरी फ्योल कहते हैं कि टेलर ने प्रबंध के क्षेत्र में वैज्ञानिक पद्धति को लागू करने की क्या की? पहल की। हम पहले ही प्रबंध अंगूठा टेक नियम की सीमाओं की चर्चा कर चुके,
अब क्योंकि सभी प्रबंधक अपने अपने अंगूठा टेक नियमों को अपनाएंगे, इसलिए स्वाभाविक है कि सभी समान रूप से प्रभावी नहीं होंगे। टेलर का विश्वास था कि अधिकतम कार्य क्षमता में वृद्धि केवल एक ही सर्वोत्तम विधि थी। इस पद्धति को अध्ययन और विश्लेषण के द्वारा विकसित किया जा सकता। इस प्रकार से विकसित पद्धति को पूरे संगठन में अंगूठा टेक नियम के स्थान पर क्या करना चाहिए, लागू करना चाहिए। वैज्ञानिक पद्धति में प्रारंभिक प्रणालियों का कार्य अध्ययन, सर्वश्रेष्ठ तरीकों का एकीकरण एवं स्तरीय पद्धति के विकास के माध्यम से जांच पड़ताल सम्मिलित थी, जिसे पूरे संगठन में अपनाया जाना चाहिए। जैसे कहता है कि टेलर के अनुसार लोहे की छड़ों को डब्बा बंद गाड़ियों में लादने की छोटी सी उत्पादन क्रिया को भी वैज्ञानिक ढंग से नियोजित किया जा सकता है एवं उसका प्रबंधन किया जा सकता है, जिससे मानवीय शक्ति, समय और माल की बर्बादी में भारी बचत होगी। जिससे अधिक क्या होगी, क्रिया व्यवस्थित होगी, उतनी ही अधिक बचत। जैसे कि मजदूर सब जो ईटा वगैरह सामान ले जाता है तो देखिएगा जनरली वो माथा पर उठा के नहीं जाता ना, लेकिन एक नया सिस्टम है कि नीचे से अगर ईटा ऊपर फेंकेगा तो दूसरा उसको क्या करता था, कैच करता था। इससे क्या फायदा मिलेगा, किसका बचत होगा, पैसा का भी बचत होगा और समय का भी बचत होगा। तो क्या उसी पद्धति का उपयोग करते रहे कि उस पद्धति के अलावा अगर कोई दूसरी पद्धति है जो ज्यादा फायदेमंद दे सकती है, तो FW टेलर कहते हैं कि उस पद्धति का उपयोग, यानी FW टेलर कहते हैं कि जो परंपरागत प्रबंध है, परंपरागत व्यवस्था है, उसको हटा करके या उसी उसी के बारे में थोड़ा और अगर उसमें इम्प्रूवमेंट कर सके तो ऐसी पद्धतियों का क्या होना चाहिए, उपयोग होना चाहिए। कोई दिक्कत पहले पॉइंट समझने में, चलिए किन याद देखो, प्रणव 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 लाइन पे है क्या, खुशबू कोई yes, क्या पहला समझ में आया, yes, क्या बताइए बोलिए, क्या कहता है पहला नियम, पढ़ना बोलिए, पहला सिद्धांत क्या कहता है, आप बोलिए बस। क्या पहले से चला रहा है, कार्य पद्धति, जो कार्य करने की पद्धति पहले से चली आ रही है। जैसे कि पहले के समय जमाना में भोज भात होता था तो लोग दही पहले पोरता था दही, लेकिन अब के समय में क्या है, अवेलेबल है, रेडीमेड अवेलेबल, तो क्या अभी भी उसी सिस्टम का यूज करेंगे। उसके रख रखाव में दिक्कत होता था, बहुत सारा स्पेस घिरता था, उसको स्पेशल देख रेख करने के लिए आदमी चाहिए होता था, टेस्ट प्रेफरेंस का बात है, कुछ ना कुछ तो मेरिट और डिमेरिट आएगा ही, लेकिन हम लोग यहाँ टेक्निक का बात कर रहे हैं। क्या हम लोग यहाँ किसका बात कर रहे हैं, टेक्निक का बात कर रहे हैं, कि वो अगर पुराना वाला टेक्निक था तो अब उस टेक्निक का यूज किया जा सकता है ना, पहले बहुत सारा लॉस भी था ना, क्या पहले तो उसको स्पेशल एक रूम होता था, उसमें देख रेख करने के लिए आदमी होना चाहिए था, अभी क्या है, भोज खाने बैठा है तो अंतिम में भी दुकान से ला करके क्या कर सकते, बांट सकते, यही नया टेक्निक है। और टेलर साहब इसी के क्या थे, सपोर्टर थे। उनका कहना था कि ऐसा नहीं है कि जो परंपरागत पद्धति है वो खराबी पद्धति है, कोई कोई जो परंपरागत वाला पद्धति है वो भी बहुत अच्छी पद्धति है, लेकिन क्या करना है कि उस पद्धति के रिस्पेक्ट में भी अगर एक दो वैकल्पिक वाला पद्धति मिलता है तो हमको उसका क्या करना है, उपयोग करना। क्लियर, तो पहला सिद्धांत यही कहता है कि अंगूठा ना कि सॉरी विज्ञान ना कि अंगूठावाद सिस्टम। अंगूठावाद का मतलब है कि जो जैसे आ रहा है उसी को देख करके क्या सब साथे में हुल्ले हुल्ले करेंगे, ऐसी बात नहीं होनी चाहिए। उसका कोई क्या करेंगे, अल्टरनेटिव ऑप्शन खोजेंगे, और अगर उसका कोई वैज्ञानिक अल्टरनेटिव ऑप्शन मिला तो हम क्या करेंगे, उसका उपयोग करेंगे। क्लियर, चलिए दूसरा, सहयोग ना कि टकराव। क्या कहता है, सहयोग ना कि, किसी भी कारखाना में दो तरह के लोग होते, एक वो प्रबंधक होते हैं और एक प्रबंधक होते हैं और एक श्रमिक होते हैं, यानी एक कर्मचारी और एक प्रबंधक, दो तरह के लोग होते हैं, एक अधिकारी होते हैं और एक कर्मचारी होते हैं, यानी जिसको श्रमिक भी कहा। तो उस दोनों के बीच क्या होना चाहिए, आपसी समन्वय होना चाहिए। जो प्रबंध होगा उसको श्रमिक का बात मानना चाहिए, यानी श्रमिक के बारे में सोचना चाहिए, और श्रमिक को किसके बारे में सोचना चाहिए, प्रबंध के बारे में सोचना चाहिए, तभी दोनों मिलकर के लक्ष्य को प्राप्त करेंगे। अगर उन दोनों में कोई भी टकराव होता है तो दोनों को नुकसान होगा, और दोनों को नुकसान होने के साथ साथ संस्था को भी क्या होगा, नुकसान ना। अगर किसी कंपनी में मालिक और नौकर के बीच लड़ाई हो रहा हो तो इससे किसको नुकसान है, संस्था को नुकसान है, मालिक को भी नुकसान है, नौकर को भी नुकसान है, और साथ ही साथ संस्था को भी नुकसान। लेकिन अगर दोनों में आपसी समन्वय है,
मालिक नौकर का बात समझ रहा, नौकर मालिक का बात समझ रहा, तो किसको, संगठन को फायदा है, कर्मचारियों को भी फायदा और मैनेजमेंट को भी फायदा। तो दूसरा सिद्धांत क्या कहता है हेनरी फ्यूल का, डब्ल्यू टेलर का, कि सहयोग न कि टकराव, यानी दोनों को एक दूसरे के साथ क्या करना चाहिए, प्रबंध को और कर्मचारियों को एक दूसरे के साथ सहयोग करना चाहिए, ना कि दोनों को क्या करना चाहिए, टकराव। क्या समझ में आया? कहता है कि उत्पादन की कारखाना प्रणाली में प्रबंधक मालिक और श्रमिक के बीच के क्या होते हैं, कड़ी होते हैं। प्रबंधकों को श्रमिकों से कार्य पूरा कराने का क्या मिला होता है, अधिकार मिला होता है। इसलिए आप सरलता से समझ सकते हैं कि एक प्रकार से वर्ग भेद अर्थात प्रबंधक बनाम श्रमिक ये सदा संभावना बनी रहती है। यानी प्रबंधकों को ये अधिकार मिला होता है कि वो लेबर से कार्य करवा सके, लेबर से कार्य, तो दोनों के बीच में हमेशा कभी न कभी टसन होने की संभावना क्या होती है, बनी रहती है। टेलर ने पाया कि इस टकराव से श्रमिक प्रबंधक अथवा कारखाना मालिक किसी को लाभ नहीं पहुंचता, किसी को लाभ पहुंचेगा, किसी को लाभ नहीं पहुंचेगा। कहता है उसने प्रबंध एवं श्रमिकों के बीच पूरी तरह से किस पर जोर दिया, सहयोग पर जोर दिया। दोनों को समझना चाहिए कि दोनों का ही क्या है महत्व, दोनों का ही महत्व है। इस स्थिति को पाने के लिए टेलर ने प्रबंधक और श्रमिक दोनों में संपूर्ण मानसिक क्रांति का क्या आह्वान किया। इसका अर्थ यह था कि प्रबंधक एवं श्रमिक दोनों की सोच में क्या आना चाहिए, बदलाव आना चाहिए। ऐसा होने पर श्रमिक संगठन भी हड़ताल करने के बारे में नहीं सोच, अगर श्रमिक सोच रहा है किसके बारे में, प्रबंधक के बारे में, और प्रबंधक सोच रहा है किसके बारे में, श्रमिक के बारे में, तो दोनों के बीच जब आपसी समन्वय रहेगा तो किसी भी श्रमिक संगठन की कोई जरूरत नहीं हो। यदि कंपनी को लाभ होता है तो प्रबंधक को चाहिए कि वह इसे कर्मचारियों में क्या करे, बांटे। कर्मचारियों को भी चाहिए कि कंपनी की भलाई के लिए वह परिश्रम करे एवं परिवर्तन को क्या करे, अपनाए। टेलर के अनुसार वैज्ञानिक प्रबंध इस विश्वास पर आधारित है कि दोनों का हित क्या है, समान है। कर्मचारियों की समृद्धि के बिना प्रबंधकों की समृद्धि, और प्रबंधकों की समृद्धि के बिना कर्मचारियों की समृद्धि भी अधिक समय तक नहीं टिक सकती। यानी प्रबंधक को अगर फायदा होता है तो कर्मचारियों को भी फायदा होना चाहिए, कर्मचारियों को फायदा होता है तो प्रबंधकों को भी फायदा होना चाहिए। कोई दिक्कत? इसका एक उदाहरण दिया है जापान का, कि जापान में जो हड़ताल सब होता है ना, तो जापान में के लोग जब श्रमिक सब हड़ताल करते हैं तो हमारे यहाँ का हड़ताल वाला नहीं होता कि बस जला देना, तोड़ फोड़ करना, दुकान बंद कर देना, टायर जला देना, वो सब वाला हड़ताल नहीं होता। वहां हड़ताल होता है कि और ज्यादा काम कर देता, यानी सामान्य दिनों की अपेक्षा क्या करेगा, काम और ज्यादा कर देगा, और ज्यादा करेगा काम, और क्या करता है, वो एक काला बैच लगा करके विरोध प्रकट करता है। ये विरोध करने का एक अलग तरीका है, जिससे ना ही संस्था को नुकसान होता है, ना ही कर्मचारियों को नुकसान होता है, कर्मचारी का कार्य भी होता है, संस्था का भी कार्य होता है क्या। लेकिन अगर हमारे इधर के हड़ताल वाला आप बात करें तो कर्मचारी को भी नुकसान, प्रबंधक को भी नुकसान और संस्था को क्या। लेकिन जापान में जो होता है हड़ताल, वो कैसे होता है, वहां के लोग हड़ताल करते हैं तो ऐसा हड़ताल करते हैं कि कामें उस दिन क्या करते हैं, ज्यादा करते, यही हड़ताल के बराबर क्या, जिससे प्रबंधकों पर एक मानसिक दबाव पड़ता है। प्रबंधकों पर क्या होता है, आपको अगर मम्मी कुछ नहीं दी तो आप थोड़ा मुंह फुला के बैठ जाते, मुंह फुला के बैठ जाते क्या होता है, मम्मी थोड़ा सा क्या होता है, मानसिक रूप से दबाव में आती है, क्या खाना पीना छोड़ देते हैं, ठीक है सामान दिला देंगे खाना पीना, क्लियर। चलिए आइए आइए आगे बढ़िए, ये क्लियर हुआ, कोई दिक्कत? तो ये क्या था कि कहता है कि मानसिक रूप से क्या होना चाहिए, श्रमिकों को सोचना चाहिए प्रबंधकों के बारे में, और प्रबंधकों को सोचना चाहिए किसके बारे में, श्रमिकों के बारे में। इसलिए कहते हैं एफडब्ल्यू टेलर कि दोनों में क्या होना चाहिए, सहयोग होना चाहिए, ना कि दोनों में क्या होना चाहिए, टकराव। टकराव का तीनों को नुकसान होगा, श्रमिक को भी, संगठन को भी, और किसको, संस्था को भी, और अगर वो दोनों साथ में आते हैं तो तीनों को क्या होगा, बेनिफिट। अब देखिए वो फोटो के थ्रू दिखाया गया है कि अगर प्रोडक्शन इंक्रीज कर रहा है, प्रोडक्शन क्या कर रहा है, इंक्रीज कर रहा है, तो देखिए ये कौन है, मैनेजमेंट हुआ, ये हुआ वर्कर, उसको क्या मिल रहा, बोनस मिल रहा। तो अब जो ये जो श्रमिक है ये भी क्या होगा, मोटिवेट होगा, ये जो श्रमिक है ये क्या होगा, मोटिवेट होगा, यानी उसको भी काम करने का इच्छा, ज्यादा इच्छा करेगा, क्यों, क्योंकि जैसे ही काम ज्यादा हुआ तो इसको भी इसमें क्या मिला है, लाभ मिला, क्लियर हुआ। तो लाभ मिला है तो इसको क्या मिलेगा, दोनों दोनों मिलके काम कर रहे हैं क्या, अगर ये प्रोडक्शन ज्यादा होता और ये बोनस इसको नहीं मिलता तो कल जब वो श्रमिक काम करने आता तो किस हिसाब से काम करता, किस तरह से काम करता, वो थोड़ा सा कम अपने मन से, छोटे मन से काम करता, क्योंकि वो ज्यादा मेहनत किया था और ज्यादा मेहनत से उसको कोई लाभ नहीं मिला,
लेकिन अगर ज्यादा मेहनत का लाभ मिला है तो कल को वो क्या करेगा, और मोटिवेटेड तरीके से काम कोई देखा सहयोग ना कि व्यक्तिवाद। अतः व्यक्तिवाद के स्थान पर श्रम एवं प्रबंध में पूर्ण रूप से क्या होना चाहिए, सहयोग होना चाहिए। यह सहयोग न कि टकराव के सिद्धांत का विस्तार है। प्रतियोगिता के स्थान पर क्या होना चाहिए, सहयोग होना चाहिए। दोनों को समझना चाहिए कि दोनों को एक दूसरे की क्या है आवश्यकता है, दोनों को एक दूसरे की क्या है आवश्यकता है। इसके लिए आवश्यक है कि यदि कर्मचारियों की ओर से कोई रचनात्मक सुझाव आता है, यानी कर्मचारियों की तरफ से कोई ऐसा इनिशिएटिव आता है, कोई नया प्लानिंग या कोई नया तरह का आइडिया अगर कर्मचारी सब तरफ से प्रबंध को आता है, तो उस पर क्या करना चाहिए, ध्यान देना चाहिए। यदि उनके सुझाव से लागत में पर्याप्त कमी आती है तो उन्हें उनका पुरस्कार मिलना चाहिए। अगर कर्मचारी का कोई ऐसा सुझाव है जिससे अगर लागत में कमी आ रहा है तो इसका मतलब है कि संस्था को क्या मिलेगा, फायदा मिलेगा, और संस्था को फायदा मिलेगा तो इसका लाभ इसको मिलना चाहिए, कर्मचारी को मिलना चाहिए। उनकी जब प्रबंध में भागीदारी होनी चाहिए और जब भी कोई महत्वपूर्ण निर्णय लिया जाए तो श्रमिकों को विश्वास में लेना चाहिए। संस्था जब कोई टारगेट सेट करेगी तो श्रमिकों को भी उसमें क्या होना चाहिए, भागीदार होना चाहिए, क्योंकि काम किसको करना है, श्रमिकों को करना। क्लियर। इसके साथ साथ श्रमिकों को भी चाहिए कि वह हड़ताल न करें तथा प्रबंध से अनुचित मांग न करें, ना हड़ताल कर ना अनुचित मांग करें, जैसा मांग उनको चाहिए वैसा ही मांग वो करें। वास्तव में यदि खुली संप्रेषण व्यवस्था और आपस में विश्वास होगा तो श्रम संगठन की आवश्यकता नहीं। ये क्लियर हुआ, सब लोगों को समझ में आया ये तीसरा पॉइंट क्या? ना दूसरा पॉइंट क्या कहता है, दूसरा पॉइंट क्या कहता है प्रणव? यस सर, बोलिए। सहयोग, सहयोग ना कि टकराव, मतलब सभी काम करने वाले श्रमिक और प्रबंधक के बीच सहयोग होना चाहिए, टकराव नहीं होना चाहिए। दोनों को एक दूसरे के हितों के बारे में क्या करना चाहिए, सोचना चाहिए। अगर दोनों एक दूसरे के बारे में नहीं सोचेंगे तो क्या हो जाएगा, नुकसान हो जाएगा। क्लियर। Yes, क्लियर हुआ। तीसरा पॉइंट भी थोड़ा थोड़ा सिमिलर है, इसमें कंफ्यूजन में नहीं जाना है। क्लियर हुआ। तीसरा पॉइंट भी क्या है, तीसरा पॉइंट भी थोड़ा थोड़ा सिमिलर है, इसलिए आप लोग कंफ्यूजन में नहीं जाइएगा। थोड़ा बहुत सिमिलर लग रहा है, ठीक है, लेकिन एक्चुअली क्या है, इसमें बहुत सारा अंतर है। पहले वाले में क्या था कि प्रबंध को अपना काम करना चाहिए और मैनेजमेंट को अपना काम करना चाहिए, और इस वाले पॉइंट में क्या है कि दोनों को एक दूसरे का सहयोग करना चाहिए। अगर दोनों एक दूसरे के बारे में सोचेंगे तो क्या होगा, संस्था का काम आगे बढ़ेगा, लेकिन अगर व्यक्ति के बात का बात होगा तो संस्था क्या चल जाएगी, पीछे, किसी को कुछ नहीं मिलेगा, श्रमिक भी अलग, प्रबंधक भी अलग, संस्था भी। लेकिन अगर यही सहयोग का कॉन्सेप्ट आता है तो तीनों को क्या मिलेगा, समझ में आया, क्लियर हुआ। चलिए हम लोग चौथे पर आते हैं। प्रत्येक व्यक्ति का उसकी अधिकाधिक क्षमता और समृद्धि के लिए विकास। F.W. टेलर कहते हैं कि कोई कर्मचारी जब संगठन में कार्य कर रहा हो तो उस कर्मचारी की भी कुछ इच्छा होती है, उस कर्मचारी की इच्छा होती है कि उसका भी क्या हो, विकास। क्लियर। तो प्रबंध को आप थोड़ा सा साइड दे, अभी आप ही पर कंसंट्रेट कर। चलिए, तो कहता है क्या कि जो भी कर्मचारी होगा उस कर्मचारियों को क्या करना है, प्रशिक्षण देना है, किसकी, कार्य कुशलता की, जिससे उस कर्मचारी में भी क्या होगी, क्षमता की वृद्धि होगी। अगर ऐसा नहीं होता है तो प्रबंध को क्या होगा, नुकसान होगा, क्योंकि वो कर्मचारी अकुशल तरीके से कार्य करेगा और उसका नुकसान उठाना पड़ेगा कर्मचारी बाहर निकलेगा। हम क्लियर हुआ, चलिए उसको थोड़ा देखते हैं मजा से। चलिए, कहता है कि औद्योगिक कार्य क्षमता अधिकांश रूप से कर्मचारियों की योग्यता पर क्या करती है, निर्भर करती है। कहता है वैज्ञानिक प्रबंध भी कर्मचारियों के विकास को क्या देता है, मान्यता देता है। वैज्ञानिक तरीके से कार्य करने के परिणाम स्वरूप जो श्रेष्ठतम पद्धति विकसित की गई है उसको सीखने के लिए कर्मचारियों का प्रशिक्षण क्या है, आवश्यक। टेलर का विचार था कि कार्य कुशलता की नींव कर्मचारी चयन प्रक्रिया में क्या होती है, पड़ जाती है। प्रत्येक व्यक्ति का चयन वैज्ञानिक रीति से होना चाहिए। उसको जो कार्य सौंपा जाता है वह उसकी शारीरिक, मानसिक और बौद्धिक योग्यता के अनुरूप होनी चाहिए, यानी शरीर से भी वो उस कार्य को करने में सक्षम हो,
मानसिक रूप से भी सक्षम हो और अपनी बुद्धि का भी वो प्रयोग कर सके। अब उसकी कार्य क्षमता में वृद्धि के लिए उसको आवश्यक प्रशिक्षण मिलना चाहिए, यानी उसको जो जो चीज उसकी कार्यकुशलता में वृद्धि करेगी वो सारी चीजें उसको क्या होनी चाहिए, मिलनी चाहिए। कार्यकुशल कर्मचारी दोनों की अधिकतम कार्यकुशलता और समृद्धि क्या होगी, सुरक्षित होगी। अगर कर्मचारी कार्यकुशल होंगे तो कर्मचारी के लिए भी फायदा होगा और संगठन के लिए भी फायदा होगा। उपरोक्त विवरण से यह स्पष्ट है कि टेलर व्यवसाय के उत्पादन में वैज्ञानिक पद्धति का क्या था, समर्थन। कोई दिक्कत, यानी कहता है कि अगर संगठन में कोई कर्मचारी है और संगठन में अगर किसी तरह की कोई नई नीति आती है, कोई नई कार्य योजना बनती है, तो उस कार्य योजना के अनुसार उस एम्प्लॉय यानी उस कर्मचारी को क्या कर देना है, प्रशिक्षित करना, जिससे कर्मचारी के कार्य को ज्यादा। किसी को मार्केटिंग करने के लिए भेजेंगे तो उसका मार्केटिंग का उसको नॉलेज रहेगा, तभी तो उसको सिखाएंगे तभी तो कि किस तरह से मार्केटिंग करना है। कैसे वो बैग पटाल को भेज देंगे कि जाओ उसका मार्केटिंग कर काम, कि उसको बताना पड़ेगा कि कोई प्रोडक्ट बेच रहे हैं तो कैसे बेच रहे हैं, कोई सर्विस बेच रहे हैं तो कैसे बेच रहे हैं। क्या क्लियर हुआ, दिक्कत यहाँ तक। जैसे कि हम लोग अगर जाएंगे कहीं किसी को ऑनलाइन क्लास ज्वाइन करवाना है तो पहले हम लोगों को पता रहेगा तब ना कि गूगल क्लासरूम क्या होता है, गूगल मीट क्या होता है, उसका नॉलेज रहेगा तब तो किसी और आगे वाले को बताएंगे, नहीं तो क्या आगे वाले को बता पाएंगे, बढ़िया से नहीं बता पाएंगे। लेकिन अगर अच्छे से उसमें एक्सपर्ट है तो आगे वाले को सामने वाले को बताएंगे और फिर क्या होगा, सेटिस्फाइड होगा। क्लियर, आदमी को कोई दिक्कत है। वैज्ञानिक प्रबंध का हम लोग पढ़े हैं क्या सिद्धांत, पांच सिद्धांत हुए, कितने हुए, चार ही हुआ है। चलिए तो उसको देखिए, एक एक बार देख लीजिए सब लोग। एक बार सब लोग देख लीजिए, चलिए दीपक, दीपक यस सर बताइए, कुछ पूछना है इन चारों पॉइंट में। नो सर। चलिए हरिओम, हरिओम यस यस सर, कुछ पूछना है क्या, नहीं। चलिए पिंकी, वैज्ञानिक प्रबंध के सारे सिद्धांत बता चुके हैं, कुछ पूछना है। पूजा चौथा वाला फिर से समझाइए। चौथा वाला क्या था, क्या था चौथा वाला, अधिकतम विकास, कर्मचारियों का विकास वाला सिद्धांत था, कर्मचारी का विकास वाला सिद्धांत था ना। यस सर। चलिए लास्ट में आपको बताते हैं, प्रणव, प्रणव नो सर, शर्मा यस सर, नीचे कौन है, शर्मा जी सात, कौन है शर्मा सेवन, कुछ पूछना है क्या, शिवम, खुशबू, सिमरन, लास्ट वाला पूछना, लास्ट वाला सिमरन, सिमरन यस सर, कोई दिक्कत, यस सर, बोलिए बस आप लास्ट वाला सिखा सर। लास्ट वाला पॉइंट था ना, कर्मचारियों की अधिकतम सीमा तक विकास, ये पॉइंट था। देखिए सब लोग, लास्ट वाला पॉइंट ये था, प्रत्येक व्यक्ति का उसकी अधिकाधिक क्षमता एवं समृद्धि के लिए विकास, ये पॉइंट था ना। चलिए तो देखिए, कहता है कि किसी भी संगठन में जो कर्मचारी कार्य करता है उसकी कार्य क्षमता कर्मचारी की योग्यता पर ही क्या करती है, निर्भर होती है। अगर कर्मचारी योग्य होते हैं तो उसकी कार्य क्षमता बढ़ती है, और कर्मचारी अगर योग्य नहीं होते तो उसकी कार्य क्षमता घटती है। तो एफ डब्ल्यू टेलर कहते हैं कि सबसे पहले तो कर्मचारी को जो चुनते हैं वो वैज्ञानिक तरीके से चुनते हैं, उसके बाद उसे उस उचित कार्य के लिए यानी जिस कार्य के लिए वो चुना गया है उस कार्य के लिए उसको उचित रूप से क्या देते हैं, प्रशिक्षण देते हैं। क्या जैसे रेलवे सब में ड्राइवर सब जो बनता है, क्या एक के बार नौकरी होता है और रेलगाड़ी चलाना शुरू कर देता है, क्या करते हैं उसको, पहले ट्रेनिंग देते हैं, थ्योरेटिकल ट्रेनिंग होता है, उसके बाद प्रैक्टिकल ट्रेनिंग होता है, फिर मालगाड़ी चलाने दिया जाता है, क्या उसके बाद जब वो एक्सपीरियंस होता है तब उसको पैसेंजर और एक्सप्रेस ट्रेनें चलाने के लिए दी जाती है। ऐसा नहीं कि रेलवे ड्राइवर हुआ पहली बार राजधानी ट्रेन चलाना शुरू कर, पता चलेगा जाना था दिल्ली या पहुंच गए कलकत्ता, क्या अब समझ में आया। टेलर साहब कहते हैं, एफ डब्ल्यू टेलर साहब, कि प्रत्येक कर्मचारी का क्या होना चाहिए,
मानसिक शारीरिक और बौद्धिक योग्यता के अनुसार उसका विकास होना चाहिए और उसको वैसा कार्य सौंपा जाना चाहिए जो वो अपने मन से क्या कर सके जिससे उसकी कार्य क्षमता में क्या होगी और वृद्धि होगी, इससे संगठन को क्या मिलेगा फायदा, कोई दिक्कत। आज के एपिसोड में इतना ही, अगले एपिसोड में हम लोग देखेंगे वैज्ञानिक प्रबंध की तकनीक, कोई दिक्कत किसी को। चलिए कल हम लोग मिलते हैं, कल हम लोग पढ़ेंगे वैज्ञानिक प्रबंध की तकनीक है। क्लियर? आपका FW टेलर और हेनरी फ्यूल दोनों का कॉन्सेप्ट क्या हो गया, खत्म हो गया। तो कल आप लोग तैयार रहेगा, इस पर कुछ प्रैक्टिकल क्वेश्चन पूछे जाएंगे। देखा।